गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा था, दैट इज एक्सक्रीशन इन प्रोटोजोअन्स। एंड हम कंटिन्यू करेंगे एक्सक्रीशन के चैप्टर को। एंड आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे टीनिया सोलियम के बारे में, ठीक है। टेप फॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि एक्सक्रीशन किस टाइप का होगा। सो एक्सक्रीशन ही पढ़ना है। अब एक्सक्रीशन के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। टीनिया सोलियम में तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इट इज़ एन एंडो पैरासाइट। सबसे पहली चीज़ तो ये है एंडो पैरासाइट, मतलब ये होस्ट के बॉडी के अंदर रहता है, वहीं से न्यूट्रिशन गेन करता है, ठीक है। तो होस्ट के बॉडी के अंदर रहने वाला एक ऑर्गेनिज्म है, किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में ये रहता होगा। अब उसके बाद इसके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो दो भाग में डिवाइडेड है। एक्सक्रीटरी सिस्टम दो भाग में डिवाइडेड है, एक है फ्लेम सेल जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और उसके अलावा है एक्सक्रीटरी कैनाल्स, ठीक है। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो इसका दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला पार्ट हो गया फ्लेम सेल्स, कई सेल्स होते हैं फ्लेम सेल्स उनको बोला जाता है, एंड सेकेंड पार्ट इज एक्सक्रीटरी कैनाल, ठीक है। ये दो पोर्शन मिला के बनता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ टीनिया सोलियम, ठीक। फ्लेम सेल के बारे में अगर हम देखें, फ्लेम सेल तो फ्लेम सेल क्या है? अब जब हम सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, टेप फॉर्म की बात करते हैं, तो सेगमेंट्स यहाँ पे बने हुए। तो सेगमेंट्स की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे सेगमेंट में कुछ पोर्शन को हम प्रोग्लॉटिड बोलते हैं, कुछ पोर्शन को हम स्ट्रोबेला बोलते हैं। अब यहाँ पर आप याद रखो फ्लेम सेल मौजूद कहाँ रहता है। जब ऐसा कोई सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म होता है ना, तो उसका माउथ पोर्शन और नेक पोर्शन के बाद जितना भी सेगमेंट्स बचता है उसको हम स्ट्रोबेला बोलते हैं, ठीक है। तो माउथ और नेक रीजन के अलावा जो भी पोर्शन बचा वो स्ट्रोबेला है, और हर वो जो स्ट्रोबेला है उसका ईच सेगमेंट जो है वो प्रोग्लॉटिड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर माउथ का पोर्शन है और ये ऑर्गेनिज्म जो है वो लंबा सा है काफ़ी, और आगे जो है माउथ का रीजन है, तो ये हेड रीजन नेक रीजन, इतना छोड़ने के बाद जितना भी सेगमेंट होगा बॉडी में, ठीक है, तो ये माउथ और ये नेक, उसके अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा पोर्शन जो है वो क्या है, स्ट्रोबेला, ठीक है। और ईच सेगमेंट मतलब ये एक सेगमेंट प्रोग्लॉटेड, ये एक सेगमेंट प्रोग्लॉटेड, ये एक सेगमेंट प्रोग्लॉटेड, ये एक सेगमेंट प्रोग्लॉटेड, तो इस तरह से इस पूरे को स्ट्रोबेला कहेंगे और इसके एक एक सेगमेंट को प्रोग्लॉटेड कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे फ्लेम सेल जो है प्रत्येक प्रोग्लॉटिड में पाया जाता है, फाउंड इन ईच प्रोग्लॉटिड, हर प्रोग्लॉटिड में पाया जाता है, स्ट्रोबेला के हर प्रोग्लॉटिड में ये मौजूद रहता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं, एक मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद जो फ्लेम सेल्स हैं वो कनेक्ट होते हैं पतले से कैपिलरी लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम एक्सक्रीटरी ट्यूब बोलते हैं, ठीक, या एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं, एक फ्लो चार्ट की मदद से देखते हैं, ज़्यादा ईजी होता है याद करते हैं। तो फ्लेम सेल जो है वो कनेक्ट रहता है किससे, फ्लेम सेल कनेक्ट रहता है एक्सक्रीटरी ट्यूबुल से, एक्सक्रीटरी ट्यूबुल से जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्टेड रहता है, ठीक। ये जो एक्सक्रीटरी ट्यूबुल है, एक्सक्रीटरी ट्यूबुल की मदद से तो वो नैरो में एक मिनट की फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी ट्यूबुल की मदद से
ट्रांसवर्स में एक सेकेंडरी एक्सक्रीटरी कैनाल से जुड़ा हुआ रहता है। एक्सक्रीटरी ट्यूबुल अपन यहाँ लिखेंगे, एक्सक्रीटरी ट्यूबुल हम यहाँ लिखेंगे। तो फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी ट्यूबुल की मदद से जुड़ा हुआ किससे रहता है? सेकेंडरी एक्सक्रीटरी कैनाल से, ठीक, जुड़ा हुआ रहता है सेकेंडरी एक्सक्रीटरी कैनाल से जुड़ा हुआ। अब इसके आगे अगर बात करें सेकेंडरी एक्सक्रीटरी कैनाल के, अगर अपन आगे बात करें तो ये जो सेकेंडरी एक्सक्रीटरी कैनाल है ये कनेक्ट होता है लेटरली लोकेटेड लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल वेसल से, तो कनेक्ट विद दिस सेकेंडरी एक्सक्रीटरी कैनाल कनेक्ट विद लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल वेसल, लॉन्गिट्यूडिनल वेंट्रल वेसल, ये जो है पेयर में होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल वेसल जो है वो पेयर में पाया जाता है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल वेसल है ये एक्सटेंड होते हैं आगे की तरफ जाते हैं पूरे स्ट्रोमिला में। ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल वेसल है ये पूरे स्ट्रोबिला के अंत तक जो है फैले हुए रहते हैं, ठीक है, तो ये अंत तक ये पाइप जाती है, एक्सटेंड थ्रू आउट द स्ट्रोबिला, पूरे स्ट्रोबिला में जो है ये फैले हुए रहते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी एक्सक्रीटरी कैनाल जो है इसको ट्रांसवर्स वेसल भी कहा जाता है, सेकेंडरी एक्सक्रीटरी कैनाल जो है इसको हम ट्रांसवर्स वेसल भी बोलते हैं, ये याद रख लेना, लिख लेना अगर मानो तो, इसको हम ट्रांसवर्स वेसल भी कहते हैं। सेकेंडरी एक्सक्रीटरी कैनाल इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसवर्स वेसल, ठीक। फ्लेम सेल जो है वो खुद हॉलो होते हैं, फ्लेम सेल जो खुद जो है हॉलो स्ट्रक्चर है, मतलब खोखले होते हैं, अंदर से पाइप की तरह होते हैं, अंदर ल्यूमेन होता है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा जो ल्यूमेन है वो सीलिया से भरा होता है, ल्यूमेन कंटेन्स टफ मतलब गुच्छा ऑफ सीलिया, ये सीलिया कंटिन्यूस जो है मूवमेंट करता रहता है। अब ये मूवमेंट किस तरह से हेल्पफुल होता है हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, फ्लेम सेल जो है हॉलो स्ट्रक्चर होता है और वो जो हॉलो स्ट्रक्चर है उसमें सीलिया के गुच्छे मौजूद रहते हैं। फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी ट्यूबुल की मदद से सेकेंडरी एक्सक्रीटरी कैनाल में खुलता है, सेकेंडरी एक्सक्रीटरी कैनाल जो है लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल वेसल जो कि पेयर में पाए जाते हैं उससे कनेक्ट होता है, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल वेसल जो है पूरे बॉडी में शुरू से लेकर अंत तक फैले हुए, ठीक है। अब फ्लेम सेल के बाद बात करते हैं हम एक्सक्रीटरी कैनाल, नेक्स्ट जो आपका पोर्शन है वो है एक्सक्रीटरी कैनाल। एक्सक्रीटरी कैनाल की अगर अपन बात करें तो ये पोस्टेरियर रीजन तक फैला हुआ था, एक्सक्रीटरी कैनाल जो है एंटेरियर रीजन में मौजूद होता है टेप फॉर्म के, ठीक है, ये जो है एंटेरियर रीजन में मौजूद रहता है, मतलब अगले हिस्से में मौजूद रहता है एक्सक्रीटरी कैनाल, और यहाँ पे भी एक पेयर लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल मौजूद होता है, वन पेयर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल, वन पेयर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल जो है प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब ये जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल है ये डॉर्सल पोर्शन पे मौजूद रहता है, ये मौजूद रहता है डॉर्सल साइड पे, और इसके पहले जो अपन ने फ्लेम सेल्स वाला पढ़ा वो जो एक्सक्रीटरी कैनाल मौजूद था उसको अपन लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल वेसल भी बोलते हैं, और वो वेंट्रल पोर्शन पे मौजूद रहता है, और ये जो कैनाल है ये डॉर्सल साइड पे मौजूद रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो जो वेंट्रल वेसल है
वो वेंट्रल वेसल पूरे बॉडी में थ्रू आउट जाती है शुरू से लेकर अंत तक, पर ये जो डॉर्सल वेसल्स हैं ये शुरुआत के एक दो सेगमेंट तक ही जाती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। वो जो वेंट्रल वेसल्स हैं वो बाहर लास्ट जो क्या कहते हैं प्रोग्लॉटिड का जो अंतिम सेगमेंट है वहाँ जाकर दोनों ज्वाइन हो जाती है, और ज्वाइन होने के बाद वो बनाती है पल्सेटाइल कॉर्डल वेसिकल। पल्सेटाइल कॉर्डल मतलब पूंछ की तरफ कॉर्डल वेसिकल। फिर आप याद रखो कि जो वेंट्रल ट्यूब है या वेंट्रल कैनाल जो था वो वेंट्रल वेसल जो था वो पेयर में रहती है, और दोनों वेंट्रल वेसल आगे जाके जो सबसे अंतिम वाला सेगमेंट है वहाँ जाके ज्वाइन होती है, और ज्वाइन होकर वो स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम पल्सेटाइल कॉर्डल वेसिकल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें ये जो पल्सेटाइल कॉर्डल वेसिकल है ये आगे जाके एक्सक्रीटरी पोर में खुल जाता है। एक्सक्रीटरी पोर में ये ओपन होता है जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल जाता है। फिजियोलॉजी की बात करें इनके एक्सक्रीशन की, मतलब एक्सक्रीशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, तो बहुत सिंपल है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो जनरल डिफ्यूजन की मदद से एंटर करता है फ्लेम सेल्स के अंदर, ठीक है। जनरल डिफ्यूजन की मदद से फ्लेम सेल के ल्यूमेन में एंटर करता है। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्लेम सेल के ल्यूमेन में आ गया, ल्यूमेन में क्या मौजूद है, सीलिया मौजूद है, तो ल्यूमेन में सीलिया मौजूद है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ल्यूमेन में है, सीलिया उसको धक्का दे दे के कहाँ पे लेके आता है, इस पल्सेटाइल कॉर्डल वेसिकल में। यहाँ भी सीलिया मौजूद है, इसके अंदर भी मूवमेंट होती रहती है, तो सीलिया की मूवमेंट यहाँ पे होती है पल्सेटाइल कॉर्डल वेसिकल में, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीटरी पोर के पास चला जाता है, और एक्सक्रीटरी पोर की मदद से शरीर से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ये था पूरा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम इन टेनिया सोडियम। उसके अलावा ये जो सिस्टम है प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम मतलब फ्लेम सेल का सिस्टम, यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम होता है, तो एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम होता है, शरीर में वाटर बैलेंस को मेंटेन रखने का भी काम यहाँ पे किया जाता है इन्हीं फ्लेम सेल्स की मदद से। तो आज का वीडियो एक्सक्रीशन इन टेनिया सोडियम इतना ही था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन से रिलेटेड, ठीक है। सो आज का वीडियो हम यहाँ पे ओवर करते हैं, थैंक यू वेरी मच।